उसमें ग्रेवी का टेस्ट है वो उसमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर, फर्स्ट टाइम। अरे कुछ नहीं होता, कैमरे के सामने किया है। डिजाइनिंग मुझे बहुत पसंद आई इसलिए मैं यहाँ पे आया, आपको दिखाता हूँ, अंदर दिखाता हूँ। सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह और आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और मैं फिलहाल हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में आपको लेके आया मजनू का टीला, मेरी पसंदीदा जगह में से एक दिल्ली के अंदर। एंड जब भी मैं दिल्ली से बाहर होता हूँ तो इस जगह को सबसे ज्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि ये जगह ऐसी है दिल्ली के अंदर जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने के लिए जा सकते हो। आपको कैफेज में जाना पसंद है, आपको खाना पसंद है, स्ट्रीट फूड पसंद है, एंड कोरियन खाना पसंद है, तिब्बतन फूड पसंद है, तो ये जगह एकदम परफेक्ट है आपके लिए शॉपिंग करने के लिए जा सकते हो। एंड दिल्ली के अंदर कुछ यूनिक जगह देखनी है तो भी यहाँ पे आ जाओ भाई, अलग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ है यहाँ पे। ज्यादा बातें नहीं करते, फटाफट से आपको लेके चलता हूँ। एंड देखना जगह कितनी प्यारी है, यमुना किनारे दिल्ली में, लेट्स गो। सो गाइस, मजनू का टीला दिल्ली में यमुना किनारे बसी हुई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको तिब्बतन सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। एंड ये जगह न्यू अरुणा नगर के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ देखने को मिलते हैं, एंड साथ ही तिब्बतन मार्केट भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। एंड यहाँ तक पहुँचने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है विश्वविद्यालय। सो गाइस, देखा आपने मजनू के टीले के अंदर हमने एंट्री करी, एंड इस वीडियो में मैंने आज अपनी एंट्री करी मजनू के टीले में बैक साइड से। बेसिकली बैक साइड में ना अभी गेट तैयार हो रहा है, मैंने आपको दिखाया, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अगर आप सिग्नेचर ब्रिज से आओगे ना आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा और शानदार गेट बन के तैयार होगा वो। एंड अभी मैं आपको लेके चलूँगा मार्केट के एरिया में से होते हुए मोनेस्ट्री के एरिया में, एंड वहाँ से हम अपना फूड टूर स्टार्ट करेंगे मजनू के टीले के अंदर। बहुत शानदार मार्केट है, खाने पीने का सब कुछ देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि तिब्बतन फ्लैग्स लगे हुए हैं, यही पहचान है मजनू का टीला की, इसे अलग बनाती है तिब्बतन कल्चर, तिब्बतन मोनेस्ट्रीज, वो भी दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, सो गाइज, आपने देखा मेन एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है तिब्बतन कॉलोनीज एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये मेन एंट्रेंस है। अगर आप फ्रंट गेट से एंटर करोगे तो आपको बेसिकली इस एरिया में एंटर करते हो। एंड ये देखो लाफिंग्स, मैं जब भी दिल्ली से बाहर होता हूँ ना इससे सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। मतलब बेसिकली क्या है, ये स्ट्रीट फूड होता है इसके यहाँ के, ये खाया जाता है आपका नेपाल, भूटान एंड यू नो तिब्बत में। और ये बनता है कोल्ड नूडल्स, इसके अंदर सोयाबीन फिलिंग रहती है, और ये दो तरीके का होता है, एक ट्राई लाफिंग्स एंड एक सूपी लाफिंग्स। मेरे को तो सूपी लाफिंग्स पता है, स्पाइसी सी होती है। एंड एक इसमें जो स्पाइसी चटनी रहती है ना, अपने अकॉर्डिंगली डलवाना भाई, मैंने तो बहुत ज़्यादा डलवाई, आप देख सकते हो इसमें भाई, इसमें देखो इसके अंदर कितनी ज़्यादा स्पाइसी लग रही है। तो ये कुछ रेस है बट हाँ बढ़िया लगती है। तो अगर आप मजनू टीला आओ और ये ना खाओ तो भाई आप मजनू टीला घूम नहीं सकते, ये तो मस्ट है यहाँ पे। इसे खा के फिर आगे आपको दिखाता हूँ कितनी सुंदर जगह और बहुत ही सुंदर से कैफे मिलेगी चुके हैं इसके बाद। सो गाइज, यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के साथ साथ चारों तरफ हर चीज़ में तिब्बतन कल्चर की झलक देखने को मिलती है। एंड यही कुछ बातें हैं जो कि इस जगह को अपने आप में दिल्ली की एक खास जगह बनाती है। हाँ जी, सो गाइज, लाफिंग खा के हम आगे आए हैं, और ये देखो मेरे पीछे आप यहाँ देखने को मिलता है बहुत ही सुंदर सा कैफे, कल्सन इसका नाम है, बहुत फेमस ही रेस्टोरेंट है। एंड मैं सबसे पहले अब आया था, इसके अंदर गया था, और अंदर का एम्बियंस बहुत शानदार है, एक हिल स्टेशन जैसी वाइब देता है। अभी चल के दिखाता हूँ। एंड ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये बेसिकली मेन मार्केट में जा रहा है, इधर है आपका कल्सन। चलो अंदर चलते हैं, आओ। सो गाइस, देखा आपने कल्सन रेस्टोरेंट का एम्बियंस कितना शानदार है, इसके बारे में एक ही बात बोलूँगा यार, इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस आपको ऐसा लगे जैसे किसी हिल स्टेशन का कैफे होता है ना, आपको बिल्कुल वैसी वाइब देता है। इसीलिए मेरा मजनू के टीले के बारे में यही ओपिनियन रहता है कि यहाँ पे आने के बाद आपको हिल स्टेशन जैसी वाइब देखने मिलती है। अभी यहाँ पे ऑर्डर किया हमने डेविल मोमोज, यहाँ के बहुत फेमस है, और ये वेजिटेबल मोमोज है, वेज मोमोज। एंड बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक सुन रहा होगा यहाँ पे, उसका थोड़ा देख लेना। मेरा ग्रेवी का टेस्ट होता है जो डेविल मोमोज होते हैं ना, स्पाइसी एकदम।
मोमोज का साइज बहुत बड़ा है और उसके अंदर वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ऐड कर रखी है उन्होंने, एंड उसमें ग्रेवी का टेस्ट है वो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक स्पाइसीनेस आ रही है। तो अगर आप कल्चर रेस्टोरेंट आओ तो हाँ टैबल मोमोज ज़रूर ट्राई करना, मेरी रिकमेंडेशन है ये। उसमें आपको नॉन वेज का ऑप्शन भी मिलता है, चिकन मोमोज भी होते हैं वेज भी। सो गाइस मजनू बटीला की मार्केट से होके हम लोग पहुंच चुके हैं बैक साइड में, और बैक साइड में आपको बहुत सारे कैफेज़ देखने को मिलते हैं, एंड रिसेंट टाइम्स में ना बहुत सारे कैफेज़ नए नए ओपन हुए हैं। देखो यार मैंने बहुत सारे कैफेज़ की वीडियोस ऑलरेडी आप बना चुके हूँ, ऑलमोस्ट 6 वीडियोस में मजनू बटीला की बना चुका हूँ अलग अलग कैफेज़ की, मार्केट्स वगैरह की। आज मैं आपको लेके आया हूँ इस वाले कैफे में, एक ये नया कैफे खुला है यहाँ पे सेला कैफे। इसका कुछ प्लान नहीं था, रैंडम था, मतलब हुआ क्या हम लोग यहाँ से जा रहे थे और मेरी नज़र जस्ट पड़ी अभी इस पर, तो मैंने इनके स्टाफ वगैरह से बात वगैरह करी जस्ट 1 महीना पहले उन्होंने ओपन किया। बहुत क्यूट सा छोटू सा सेटअप है इनका, डिज़ाइनिंग मुझे बहुत पसंद आई इसलिए मैं यहाँ पे आया, आपको दिखाता हूँ, आओ अंदर दिखाता हूँ। तो गाइस आपने देखा ना कितना प्यारा सा इन्होंने एम्बियंस बना हुआ है यार, इसी एम्बियंस की इसी इंटीरियर की डिजाइनिंग में जाते हुए देखा ना मेरा ध्यान इधर पड़ा। मैंने मैम को पहले यही बोला कि मैम मैं हम दूसरे कैफे में जाते हैं लेकिन आपका कैफे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा हमें वीडियो शूट करनी है, एंड मैम ने मुझसे हाँ बोल दिया। तो मैं आपसे ना ये बोलना जब पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कैमरे में ये जो डिज़ाइन आपने बनाया इसके पीछे आइडिया मतलब कैसे था आप लोगों का? वैसे तो हमारा ये है सेला कैफे है, ये सेला कैफे का हमारा अरुणाचल का सबसे बड़ा कोई देखते जो ज्यादा बोलते ये जंगल तरफ से है, अच्छा किसी को बहुत पसंद। हाँ वो ये हरियाली पेड़ पौधे वगैरह देख के अट्रैक्ट कर रहा है। सो गाइज ये चीज़ देखिए जो उन्होंने बताया ना, जो नाम रखा है सेला नाम रखा है, वो भी इनका जो मतलब तिब्बतन जो आप अरुणाचल का बता रहे थे, मतलब यार इन्होंने हर चीज़ में ना यहाँ के लोग, सिर्फ इनकी बात नहीं है मजनू बटीला में सभी ने हर चीज़ में अपने कल्चर को कितनी तरीके संभाल कर रखा है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और मैम पता है ये अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले इनको लग रहा कि कैमरे में कैसे मतलब कैसे रिएक्ट करें, अभी आपको बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम। अरे कुछ नहीं होता कैमरे के सामने क्या है, हम जैसे बात कर रहे हैं वही बात करनी होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है। सो गाइज हमने यहाँ पे ऑर्डर किया चिली पराठो, यार देखो पता क्या सीन था, वहाँ पे डबल मोमोज खाए थे ना वो बहुत सारे मतलब अच्छी क्वांटिटी थी अपने कल्चर में जो खाए थे हमने, उसके बाद पेट ना भर गया था, इतना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो यार यहाँ पे ये खा लेते हैं हम चिली पराठो। चिली पराठो तो यार मेरे को ऑल टाइम फेवरेट है यार, जितने मर्जी खिलाए चले जाओ खिलाए चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। काफ़ी क्रिस्पी है यार, मेन चीज ये है कि इनका एम्बियंस अगर ध्यान से देखोगे ना तो जैसे गोवा में जो बीचेस वगैरह पे होता है ना कैफे, इस टाइप का उन्होंने कुछ बना रखा है, तो वाइब भी अलग है यार, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। और चिली पराठा भी सही लग रहे हैं, ये तो मैंने ऐसी मतलब टेस्ट करने के लिए यार। तो गाइज़ ये तो अपना आज के मजनू बटीला का एक्सपीरियंस यार, आज के जो प्लान था ना बहुत ही रैंडम सा था, मतलब कि दिल्ली में थे तो मैंने सोचा चलो जो होके आते हैं, क्योंकि दिल्ली में जब भी होता तो यहाँ पे टाइम निकाल के ज़रूर आता हूँ। और जो कैफ़ेज़ मैंने आज एक्सप्लोर करके आपको दिखाया ना, कल्चंग तो मैं पहले भी जा चुका हूँ, बल्कि सेला कैफे यार बहुत अच्छा लगा, ज़रूर ज़रूर विजिट करें यार, एक तो शोर इतना आ रहा था। एनीवेज अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ घर पे, और बहुत अच्छा खासा एक प्लान चल रहे हैं, 2-3 बहुत बड़े ट्रिप्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जगह के लिए, बाय एंड टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखो, एक्सप्लोर करते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो मेरी तरह, एंड मजनू बटीला जरूर आ जाना अगर दिल्ली में रहते हो या दिल्ली का भी आना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।